नमस्कार, मैं हूं बंटी जायसवाल। आप देख रहे हैं पहल तक। अभी हम सबार गांव के मौजा के पास है। यह मठिया तालाब है, आप देख सकते हैं। यहां पर लगभग जो तालाब है, तालाब में पानी तो भरा हुआ है, और ये जो पानी खेत में किसानों का देख रहे हैं, वह लगभग 10 से 12 किसानों की खेतों में लगी फसल, धान की फसल डूब चुकी है। इसका कारण बताया जाता है कि जो तालाब में पानी निकासी होता है, वह बीमा है, वह 8 इंच का लगाया गया है, जिसके कारण जो खेतों में लगी फसल और पानी है वह नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण लगभग पाणीपुर गांव के, झाली गांव के लगभग 1 दर्जन से अधिक किसानों की फसल 25 से 30 बीघे में फसल डूब चुकी है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने बताया है कि यह जो फसल जो डूबी हुई है, वह इसमें कुछ पाणीपुर गाँव के ही लोगों द्वारा जो तालाब में है बीमा लगाया गया था, उसे बंद कर दिया गया था। हालाँकि फिलहाल उस बीमे को खोल दिया गया है, और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना खेतों में पानी लगा हुआ है और लगभग 25 से 30 बीघे की फसल डूब चुकी है। अगर इस पानी का निकासी समय पर नहीं होता है तो लगभग 1 दर्जन किसानों के 25 से 30 बीघे की फसल डूब जाएगी। आइए हम किसानों से ही जानते हैं, किसानों ने क्या बताया है और उनकी क्या परेशानी है, उनसे ही जानते हैं। डूबल मठिया ताल में सवार मौजा में कितना किसान का फसल डूबल बोल रहे हैं? किसान के डूबल करीब 8-9 आदमी के डूबल बा। ज्यादा छत बीघा में करीब 10 बीघा लगभग डूबल बा, पानी से ऊपर, धान नीचे पानी ऊपर, ओकर अलावे 30 बीघा आर से बरोबर पानी भरल। अगर पानी के निकासी ना हो तो का हो कि फसल के? पानी के निकासी हो तो कोनो ओकर संधवान नहीं के, माने वही में गल पछले, माने बर्बाद हो जाए। हां, 8 दिन से डूबल, 8 दिन से बोलबे कारण का बटे कर डूबे के फसल। कारण बार रोक छे करत न जा, वही कारण से डूबल बा। पानी के निकासी को निकल पात पात न जा, हमनी के घर द्वार नीचे डूब जाई ऐसे। हां, हमनी के घर द्वार काहे के डूबे जाई, जब पानी निकले त निकले जा, निकल है ना जाम कर देना जा। कहां के पानी आइल भाई? सब पानी सब बरखा बुनी के पानी भइल, तनी मनी नहर सार के आवेला। अच्छा, कहीं आवेदन देले है? आवेदन तो है नहीं। आवेदन के दे देख बटे ना, आवेदन देवे जात नहीं, रोक देना जा कि पानी निकला था निकले जा जात। हमने के अभी पानी निकासी होता रे? हां, तन तन निकला था। अच्छा, का नाम पड़ी? हमारा सुरेश नाम पड़ी, सुरेश बी। गांव? गांव पांडेपुर के सीमा में, बल पांडेपुर की जगह झालियों के सुन जजा। हां, कितना किसान का फसल डूबल बटे? करीब हो 20-25 बीघा ले। कितना किसान के? करीब 10-12 किसान के बाना। काहे फसल डूबल बटे? अब तो काहे डूबल बा, पानी के निकासी सरकार नहीं खेल, बंद ही हो बाटे। अब निकलत आ निकलत निकासी पूरा होत नहीं खे। बीमा लगावल बेटे? बीमा 8 इंची का लगावल बा। अच्छा, पानी मझिया गांव तक ले आवत। कहां से पानी सब आइल बेटे? सब मझिया गांव से और ऊपर से आ रहल है। नहर पानी है? हां, नहरो पानी हो पर। अच्छा, कितना दिन से फसल डूबल बेटे? हो गए कम से कम 7-8 दिन। अच्छा, अगर पानी के निकासी ना हो पाई तो फसल का बर्बाद हो जाए। कितना किसान के क्षति होगी? कम से कम 7-8 किसान, 10 किसान के क्षति हो जाए। मरुमा शंकर नाम पर गांव पांडेपुर बामा मिल जाए, रोड में बामा रोड पर और नहर ए जगह ताल में ताल के तो हमनी के जीवन बन। तालाब का पानी निकासी के लिए लगाया गया है, इसमें 8 इंच का पाइप जो है वह विभाग की तरफ से नहीं बल्कि किसानों ने ही खुद अपने से प्लास्टिक का पाइप लगाया है, जिसकी वजह से जो तालाब का पानी धीरे धीरे निकल गया। लेकिन अगर यहाँ पर विभाग द्वारा, मनरेगा विभाग द्वारा या अन्य विभाग से यहाँ पर तालाब का पानी निकासी लगा दिया जाता तो किसानों के खेतों में लगी फसल जो पानी है वह नहीं बर्बाद होती और फसल भी नहीं डूब पाती।